हाय फ्रेंड, वेलकम टू गेम ऑफ इनिंग। हाजिर हूँ आपके सामने समर स्लिम के बाद हुई पहली रॉ के एपिसोड के साथ। आज के एपिसोड में हमें क्या क्या देखने को मिलता है देखना होगा। वहीं आज के एपिसोड के लिए पॉल हेमन और ब्रॉक लेसनर को भी एडवर्टाइज किया गया था। अब देखना होगा कि ये दोनों दिखते भी हैं या नहीं। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और शुरू करते हैं वीडियो बेल बजा के। शो की शुरुआत रोमन रेंस के सेगमेंट से हुई। वो अपने टाइटल के साथ रिंग में एंट्री करते हैं और आके कहते हैं कि मैं अपने वर्ड्स पर खरा उतरा हूं। मैंने कहा था कि मैं ब्रॉक लेसनर को हरा दूंगा और मैंने वैसा करके दिखाया। इस टाइम फैंस रोमन रेंस को काफी बू कर रहे थे। मैं इस टाइटल को कभी भी डिफेंड कर सकता हूं, अगर कोई है तो आओ और मुझे चैलेंज करो। मुझे सुनने में आया कि उस सुपरस्टार को मौका मिल सकता है जिसने ब्रुकलिन में इस टाइटल को जीता था। बताना चाहता हूं कि ये टाइटल मैं फिन बैलर के खिलाफ डिफेंड करने जा रहा हूं। तभी फिन बैलर की एंट्री होती है। फिन बैलर कहते हैं, क्या हाल है रोमन रेंस, मैं तुम्हारा चैलेंज एक्सेप्ट करता हूं और मैं अपना टाइटल वापस लेना चाहता हूं। दोनों सुपरस्टार ने इस मैच के लिए हैंडशेक भी करा। तभी एंट्री होती है कांस्टेबल बैरन कॉर्बिन की। बैरन कॉर्बिन कहते हैं, ये जो मैच आप सोच रहे हैं ये नहीं होने वाला। तुमने कल डीमन का कैरेक्टर दिखाया था, लेकिन आज की बात करें तो तुम्हारा मैच नहीं होने वाला है। आज रात फिन बैलर मेरा सामना करने वाला है। तभी एंट्री होती है कर्ट एंगल की। कर्ट एंगल कहते हैं कि बैरन कॉर्बिन, तुम अपने काम से काम रखो, क्योंकि रॉके मैच मैं बुक करता हूं, तुम नहीं। और मैं तुम्हारे हिसाब से नहीं, ब्रुकलिन जो चाहेगा उसके हिसाब से चलूंगा। तो क्या ब्रुकलिन आप फिन बैलर और रोमन रेंस का मैच देखना चाहते हैं? ये मैच मेन इवेंट में होगा और बैरन कॉर्बिन तुम्हारे लिए भी मैच है और ये मैच अभी शुरू होता है। तभी एंट्री होती है बॉबी लैशले की। इसके बाद हमें बॉबी लैशले वर्सेस बैरन कॉर्बिन के बीच मैच दिखा। बॉबी लैशले ने बेल बजते ही बैरन कॉर्बिन पर अटैक करा। कुछ देर बाद बैरन कॉर्बिन ने मैच में पकड़ बनाई और इसके बाद बैरन कॉर्बिन ने चॉक स्लैम बैक ब्रेकर मार दिया, पर बॉबी लैशले ने अपना मूव लगाकर इस मैच को जीत लिया। इसके बाद शो बैक स्टेज गया जहां कर्ट एंगल और पॉल हेमन बात करते हैं। हेमन कहते हैं कि लेसनर के पास अभी रीमैच का मौका है। तभी कर्ट एंगल ने कहा कि लेसनर के कॉन्ट्रैक्ट में कोई रीमैच नहीं है। हेमन ने कहा कि क्यों नहीं है, लेसनर और रोमन रेंस का मैच हेल इन अ सेल में होना चाहिए, लेकिन कर्ट एंगल इसको कराने से मना कर देते हैं। इसके बाद हमें ट्रिपल एच का सेगमेंट दिखा। ट्रिपल एच की एंट्री हुई और वो आके बोलते हैं, आप लोग सही बोल रहे हैं, एनएक्सटी ने जबरदस्त काम किया है, लेकिन समर स्लैम में भी आप लोगों ने अच्छा सपोर्ट किया। जैसे मैंने वादा किया था कि आपके लिए रोमांच की कमी नहीं छोड़ने वाला हूं और वैसा ही मैं कर रहा हूं। विंस मैकमैन ने कहा कि मुझे ऑस्ट्रेलिया में लड़ना है, मैंने हां किया, लेकिन जब मुझे पता चला कि अंडरटेकर से मेरा मैच है तो मैंने इस मैच के लिए मना किया, क्योंकि इसका एक अलग रीजन है। जब हम दोनों का स्टील कैज मैच हुआ था उस वक्त एक इराक को हमने खत्म कर दिया था। आप सभी ने देखा था कि हम तीनों स्टेज पर थे और एक दूसरे को इज्जत दे रहे थे। उस मैच के बाद हम सब में काफी बदलाव आया। शॉन माइकल चले गए, टेकर ने रेसलिंग गियर में रखे, मैंने रिंग की जगह ऑफिशियली कामों को संभाला। वो फीलिंग, वो रोमांच सब खत्म हो गया। फिर लगा कि मुझे लड़ना चाहिए और मैंने इस मैच के लिए हाँ किया और साफ किया कि मैं फिर से गेम बनने वाला हूँ। टेकर ने अपने रेसलिंग गियर उठा लिए हैं तो मैं भी उठने वाला हूँ, क्योंकि वो रोमांच भावना और वो जोश लौटने वाला है, क्योंकि टेकर और ट्रिपल एच आखिरी बार आमने सामने होंगे ऑस्ट्रेलिया के सुपर शो डाउन में। इसके बाद हमें डीन एम्ब्रोस वर्सेस डॉल्फ जिगलर के बीच मैच दिखा। डीन एम्ब्रोस के साथ सेथ रॉलिंस और डॉल्फ जिगलर के साथ ड्रू मैकइंटायर ने एंट्री करी। डीन एम्ब्रोस और डॉल्फ जिगलर दोनों ने एक दूसरे पर अटैक करा। ड्रू मैकइंटायर डीन एम्ब्रोस को इंटरप्ट कर रहे थे। रिंग के बाहर ड्रू मैकइंटायर और सेथ रॉलिंस भी भिड़ गए। डीन एम्ब्रोस ने डॉल्फ जिगलर को डर्टी डीज देकर मैच भी जीता। इसके बाद हमें अलायस वर्सेस कर्ट हॉकिंस के बीच मैच दिखा। इस मैच में अलायस ने आसानी से जीत दर्ज करी और कर्ट हॉकिंस की ये 219वीं हार थी। इसके बाद हमें ऑथर ऑफ पेन वर्सेस टाइटस वर्ल्ड वाइड के बीच मैच दिखा। ऑथर ऑफ पेन ने दोनों की हालत खराब करी इस मैच में और जल्दी से इस मैच को जीत लिया। इसके बाद हमें वुमेन्स डिवीजन का सेगमेंट दिखा। रॉ का पूरा वुमेन्स डिवीजन रिंग साइड खड़ा था और स्टेफनी मैकमैन की एंट्री होती है। स्टेफनी मैकमैन कहती है कि मुझे पूरे वुमेन्स डिवीजन पे गर्व है और मुझे एवोल्यूशन पर भी गर्व है। पिछली रात रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप मैच जबरदस्त था। समर स्लैम में रोंडा रोजी पहली वुमेन सुपरस्टार बनी जिसने यूएफसी के साथ साथ डब्ल्यूडब्ल्यूई वुमेन्स टाइटल भी जीता। मुझे रोंडा रोजी पर प्राउड है। सब रोंडा रोजी बनना चाहते हैं क्योंकि वो सबसे अलग हैं। तभी एंट्री होती है रोंडा रोजी की। स्टेफनी मैकमैन कहती है, सुनो तुम्हारा नाम कैसे यहाँ चैंट्स करा जा रहा है। रोंडा रोजी कहती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? और वो वुमेन्स डिवीजन की बाकी सुपरस्टार से कहती है कि तुम सब नीचे क्यों खड़ी हो, तुम सबको रिंग में होना चाहिए। ये टाइटल मेरे लिए नहीं है, ये पूरे डिवीजन का टाइटल है, इस पर सबका हक है। बेली और साशा बैंक्स, तुमने कितनी मेहनत की है, मैं ब्रॉक लेसनर नहीं हूं, मैं हर रात अपने टाइटल को डिफेंड करूंगी। इसके बाद स्टेफनी मैकमैन कहती है, हाँ पता है तुम ब्रॉक लेसनर नहीं हो, तुम वो हो जो सबका हाथ तोड़ना जानती हो। तुमने पिछली रात एलेक्सा ब्लिस का हाथ तोड़ दिया है। मैं बता दूं कि वो पूरे वुमेन्स डिवीजन का हाथ तोड़ना चाहती हो। रोंडा रोजी कहती है, मैं यहाँ सिर्फ उसका हाथ तोड़ने आई हूँ जो इसका हकदार है। रोंडा रोजी ने इसके बाद स्टेफनी मैकमैन को आमबार लगा दिया। पूरा वुमेन्स डिवीजन रोंडा रोजी से गले मिला। इसके बाद शो बैक स्टेज गया जहां स्टेफनी मैकमैन अपने टूटे हाथ के साथ बैठी थी। उनके साथ एलेक्सा ब्लिस भी थी और वहां कर्ट एंगल और बैरन कॉर्बिन पहुंचते हैं। स्टेफनी मैकमैन ने कर्ट एंगल को कुछ दिनों के लिए छुट्टियों पर भेज दिया और कांस्टेबल बैरन कॉर्बिन को एक्टिंग रॉ का जनरल मैनेजर बना दिया। मतलब कुछ टाइम के लिए अब हमें बैरन कॉर्बिन रॉ के जनरल मैनेजर दिखेंगे।
इसके बाद हमें रोमन रेंज वर्सेस फिन बैलर के बीच यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए मैच दिखा। मैच शुरू होते ही दोनों ने एक दूसरे पर अटैक करा। फिन बैलर ने सही माइंड यूज करते हुए रोमन रेंज पर पकड़ बनाई। इसके बाद रोमन रेंज के गुस्से का शिकार हुए फिन बैलर। एकदम से फिन बैलर ने रोमन रेंज पर तगड़ा अटैक करा। इसके बाद एंट्री हुई ब्रॉन स्ट्रोमैन की और रोमन रेंज ने फिन बैलर को स्पीयर देके मैच जीता। स्ट्रोमैन कॉन्ट्रैक्ट को लेकर रिंग में एंटर हुए और कैश इन करने की रेफरी से बोली और तभी शील्ड का म्यूजिक बजा और डीन एम्ब्रोस और सेथ रॉलिंस ने शील्ड के गियर में एंट्री करी। शील्ड ने आके स्ट्रोमैन पर अटैक करा। शील्ड ने पावर बम मारने की तैयारी में थी बट स्ट्रोमैन ने पलटवार करा। तभी रोमन रेंज ने स्पीयर और टेबल पर ट्रिपल पावर बम दिया। इसके बाद शील्ड की वापसी हुई और ब्रॉन स्ट्रोमैन का कैश इन यहाँ फेल हो गया है। यही रॉ का एपिसोड आज खत्म हुआ। आज के शो में डीन एम्ब्रोस वर्सेस डॉल्फ जिगलर और मेन इवेंट में शील्ड की वापसी आना काफी अच्छा रहा। वहीं खराब ये लगा कि WWE ब्रॉन स्ट्रोमैन को खूब बड़ा चढ़ा के दिखा रही है बट कैश इन उनका फेल करवा दिया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। पसंद आया तो लाइक और शेयर करें। इस तरह के इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए चैनल के सब्सक्राइब बटन पे ट्रिपल पावर बम मार के चैनल सब्सक्राइब करें। मगर प्यार से थैंक यू।